तमिलनाडु के नीलगिरी जिले के कुन्नूर में बुधवार को वायुसेना का MI-17 हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। इस हादसे में देश के पहले CDS बिपिन रावत और उनकी पत्नी समेत 13 लोगों की जान चली गई। इस हेलीकॉप्टर में कुल 14 लोग सवार थे, जिसमें CDS जनरल बिपिन रावत समेत कई अधिकारी थे। हेलीकॉप्टर क्रैश होने के पीछे का कारण खराब मौसम बताया गया है। 16 मार्च 1958 को उत्तराखंड के पैरी गढ़वाल में बिपिन रावत का जन्म हुआ था। उनके पिता लक्ष्मण सिंह रावत भी फौज में थे। उनकी शुरुआती पढ़ाई सेंट एडवर्ड स्कूल शिमला में हुई। इसके बाद उन्होंने इंडियन मिलिट्री एकेडमी ज्वाइन किया। बिपिन रावत ने डिफेंस सर्विसेज स्टाफ ऑफ कॉलेजेस में भी पढ़ाई करी। इसके साथ ही उन्होंने मद्रास यूनिवर्सिटी से डिफेंस सर्विसेज में MPhil भी करा। उनके पास आतंकवाद रोधी अभियान में काम करने का 10 सालों का अनुभव था। उनके पिता रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल लक्ष्मण सिंह 1988 में उपसेना प्रमुख के पद से रिटायर हुए थे। बिपिन रावत दिसंबर 1978 में 11 गोरखा राइफल्स की 5वीं बटालियन में शामिल हुए, जहां उन्हें सॉर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया था। उनका परिवार कई पीढ़ियों से भारतीय सेना में अपनी सेवाएँ देता आ रहा है। बिपिन रावत ने 1986 में चीन से लगे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर इन्फेंट्री बटालियन को संभाला। 5 सेक्टर राष्ट्रीय राइफल और कश्मीर घाटी में 19 इन्फेंट्री डिवीज़न की अगुवाई कर चुके बिपिन रावत ने ब्रिगेडियर के तौर पर कांगो में पीस कीपिंग मिशन के मल्टीनेशनल ब्रिगेड की अगुवाई करी थी। इसी दौरान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सेवाएं देते हुए उन्होंने 7,000 लोगों की जान बचाई थी। देश के 27वें थल सेना अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत सितंबर 2016 में भारतीय सेना के वाइस चीफ बने थे। बिपिन रावत ने जनरल दलबीर सिंह के रिटायर होने के बाद भारतीय सेना की कमान 31 दिसंबर 2016 को संभाली। जनरल बिपिन रावत गोरखा ब्रिगेड से निकलने वाले 5वें अफसर थे जो सेना प्रमुख बने। बिपिन रावत ने 31 दिसंबर 2019 को भारतीय सेना प्रमुख के पद से इस्तीफा दिया और 1 जनवरी 2020 को देश के पहले CDS बने। बिपिन रावत जी को सेना में रहते हुए सेना में अनेक तरह के पुरस्कार मिले। उन्होंने अपनी युद्ध नीति और कौशल से कई मेडल प्राप्त किए। उन्होंने अपनी कैरियर का लंबा वक्त भारतीय सेना की सेवा में गुजारा। उन्हें ऊंचाई पर जंग लड़ने और काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन यानी जवाबी कार्रवाई के एक्सपर्ट के तौर पर जाना जाता था। साल 2016 में उरी में सेना के कैंप पर हुए आतंकी हमले के बाद आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत के नेतृत्व में 29 दिसंबर 2016 को पाकिस्तान में बसे आतंकी शिविरों को ध्वस्त करने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी। हम सभी बिपिन रावत को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।